1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, और उनको गिव अवेज दूंगा, उनके घर पे कुछ कुछ भेजूंगा, बढ़िया चीज़ें भेजूंगा, बहुत बढ़िया गिव अवेज होने वाले हैं। हेलो, क्या हाल है सबके। सो आजकल लॉकडाउन में दिन भर खाना ही बनाते रहो और ये और वो, उस चक्कर में आप लोगों के लिए वीडियोस कम बना पा रहा हूँ, अपॉलोजीज़। मैंने सोचा रात में क्यों ना मैं जो ये बजा रहा था, मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ, शायद आप लोगों के काम आए। सो ये काफ़ी सैड सा स्केल है, और बाय द वे आज मैं कोई भी कंप्यूटर पे ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कैमरा के अंदर जा रहा है। तो मैंने सोचा इससे थोड़ा सा अपनापन वाला फ़ील आएगा, आप लोगों को लगेगा आप मेरे साथ ही बैठे हुए हो और साथ में एक क्लास चल रही है। तो उस वाइब को अंजाम देने के लिए मैंने लाइट्स डिम ही रखी हैं और कोई भी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रेट गिटार एम से आवाज़ आ रही है और डायरेक्ट कैमरे में जा रही है। सो ये एक बहुत ही सैड स्केल है, आप लोगों को बहुत मन होता है मोड सीखने का। मोड से बेसिकली क्या होता है कि इमोशंस पता चलते हैं कि आप जो प्ले कर रहे हो उससे इमोशंस क्या निकल रहे हैं। हैप्पी स्केल है, सैड स्केल है, अरबिक सब मोड है, इट साउंड्स लाइक अरबिक। पिछले वीडियो में हमने किया था, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत ही सैड, मतलब अल्ट्रा सैड स्केल। आप इसको सी मेजर कॉर्ड पे भी प्ले कर सकते हो, कोई आपके पीछे अगर सी मेजर कॉर्ड भी प्ले कर रहा है तो आप उसके ऊपर भी प्ले कर सकते हो, कोई सी माइनर कॉर्ड प्ले कर रहा है उसके ऊपर भी प्ले कर सकते हो, जी मेजर के ऊपर भी प्ले कर सकते हो। सो एक बार इसको देखते हैं, ये मैं सी रूट नोट है, दिस इज 8th फ्रेट, सो 8 10 5th स्ट्रिंग में 7 10 11 4th स्ट्रिंग में 10 3rd स्ट्रिंग में 7 9 सेकेंड स्ट्रिंग में 8 9 फर्स्ट स्ट्रिंग में 8 10 12 15 16 20। ये भी सी नोट पे हम ख़त्म कर रहे हैं। सो इसकी जो थ्योरी है, जिसका थ्योरी जानना है, दिस इज एक्चुअली सी का, अगर हम देखें रूट 2 मेजर 3rd 5 शार्प 5 या फिर फ्लैट 6 एंड रूट सी डी ई जी जी शार्प एंड सी। रूट 2 मेजर 3rd 5th शार्प 5 रूट, अगले ऑक्टेव में भी रूट 2nd मेजर 3rd 5th शार्प 5 रूट 2 मेजर 3rd 5th शार्प 5 रूट। कोई मिल गया मैं, मेरे ख्याल से आखिरी में जब जादू और रोहित पकड़े जाते हैं तो रेखा के उसमें ऐसा सा कुछ मेरे ख्याल से ट्यून बजता है। वो इसी स्केल से आता है। सो आई होप आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही अल्टीमेटली सैड स्केल है। सो इसको आप लोग इम्प्रोवाइज कर सकते हो सी कॉर्ड के ऊपर।
कुछ लिक्स मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ जो मैं अक्सर प्ले करता रहता हूँ जब भी मैं सैड होता हूँ। गाइस मुझे आपसे एक और बात करनी थी। मैं सोच रहा था कि मेरे आज तक के जितने भी लेसन्स हैं उनमें से सबसे फेवरेट आप लोगों का घुंघरू है और शायद है। मैं सोच रहा था आप लोग अगर उसको अपने स्टाइल में बजाओ, जैसे मैं हर लेसन में आपको एक परफॉर्मेंस पे दिखाता हूँ ना, साथ में बजा के दिखाता हूँ। सो मैं सोच रहा था आप लोग उसको अपने स्टाइल में बजा के इंस्टाग्राम पर अपलोड करो और मेरे को टैग करो। अक्की हिमसेल्फ आपको पता है मेरा इंस्टाग्राम पर हैंडल है। सो उसमें से जो सबसे अच्छे होंगे मैं उनको एक साथ कंबाइन करूँगा और किसी दिन एक वीडियो डालूँगा, उसमें उन सबको रिव्यू करूँगा, बताऊँगा कि किसने कैसा प्ले किया है, कौन सबसे बढ़िया बजा रहा है। उसमें कुछ मैं पोजीशंस दूँगा, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, और उनको गिव अवेज़ दूँगा, उनके घर पर कुछ कुछ भेजूँगा, बढ़िया चीज़ें भेजूँगा, बहुत बढ़िया गिव अवेज़ होने वाले हैं। सो आई केम अप विद दिस आइडिया। आप लोग बताओ आप लोगों को ये आइडिया कैसा लग रहा है, कौन कौन एक्साइटेड है, कौन कौन पार्ट लेने वाला है, कॉमेंट्स में मैंशन करो। अगर 100 से ज़्यादा कॉमेंट्स हुए तो ये कॉन्टेस्ट किया जाएगा। अगेन शायद और घुंघरू दो सॉन्ग्स हैं, आप लोगों को लाइव बजा के दिखाना है एक टेक में। सो लेट्स सी। और बाकी ये वीडियो कैसा लगा, ये वाइब कैसी लगी, थोड़ा सा डिम लाइट में अपनापन वाला फील में विदाउट एनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रिकॉर्डिंग इंटरफेस डायरेक्ट कैमरा पे बताना है कैसा लगा। बाकी ख्याल रखो, और कुछ भी चाहिए मेरे को बताना। गुड नाइट, सी यू।